कौन बनेगा करोड़पति सोनी टीवी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है, जिसे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। और उस शो को देखे जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस शो में बिग बी हॉट सीट पर बैठने वाले कंटेस्टेंट से जिस तरह से बात करते हैं और उनसे सवाल करते हैं, वो देखने लायक होता है। केबीसी के 11वें सीजन में कई कंटेस्टेंट आए हैं जिन्होंने बिग बी के सवालों के आगे अपना आईक्यू दिखाया है। ऐसे ही केबीसी के मंच पर एक कंटेस्टेंट पहुंचे और बिग बी ने केबीसी से जुड़े सवालों के अलावा जब इस कंटेस्टेंट से एक निजी सवाल पूछा तो इस कंटेस्टेंट ने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया। इस एपिसोड में दिल्ली के संगम विहार से आए जितेंद्र चौहान हॉट सीट पर बैठे थे। जितेंद्र फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में सवाल का सही जवाब देकर हॉट सीट पर पहुंचे थे। हालांकि सभी लाइफलाइन खत्म हो जाने के वजह से जितेंद्र 3,20,000 ही जीत पाए। शो के बीच में जब अमिताभ ने जितेंद्र से सवाल किया कि वो वीडियो में आपने कहा है कि गर्लफ्रेंड होना समय को बर्बाद करना है, आपने ऐसा क्यों कहा, यहाँ कई सारी महिलाएं हैं, उन्हें आपका ये कहना सही नहीं लगा। इस पर जितेंद्र ने कहा कि वो सिर्फ अपने पिता की अनुमति के बाद ही किसी महिला को डेट करने के बारे में सोचेंगे। बिग बी ने जितेंद्र से उनकी शादी के बारे में भी सवाल किया कि वो कब शादी करने वाले हैं। इस पर जितेंद्र ने कहा कि सर, दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सोच रहा हूँ कि बाल झड़ जाएं और मैं बाला बन जाऊँ, उसके पहले शादी कर लेना चाहता हूँ। इस पर वहाँ मौजूद दर्शक और बिग बी भी खुलकर हंस पड़ते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।